ठीक है, देखिए अब हम प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो तुम्हारा था उसमें एक संकेत दिया है, हिंट दी हुई है, वही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी वही हिंट वही चलेगी। जैसे यहाँ पे क्या दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहाँ पे दिया था चौथे वाले सवाल में दिया था वर्ग, यहाँ पे दिया घन, घन का मतलब घात 3। ठीक है, घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, इसको चेक करेंगे। तो इसमें क्या है, वही भाषा लिखेंगे जो प्रश्न नंबर 4 में लिखी थी, इसे आप एज इट इज याद रखना। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अभी क्या है, अभी आपको थोड़ा शुरुआत है, नई चीज़ें हैं तो आपको थोड़ा याद रखनी पड़ेगी, बाद में जैसे दो एक दो रिवीजन हुए तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में समझ में भी आने लगेगी कि ये क्यों ऐसा लिख रहे हैं। तो माना एक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया, तब 3q 3q+1। अब यहाँ क्यों, यहाँ एम है तो यहाँ एम नहीं लेंगे, यहाँ पे फिर यहाँ जो है उसका यहाँ पे अलग ही लेना पड़े, तो 3q 3q+1 और 3q+2, यही हमने इससे पहले वाले सवाल में लिया था, के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसको हल कर लो, हल करना भी बिल्कुल आसान है। किस तरह, देखिए अब यहाँ पे हम आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न में क्या कह रहे हैं, प्रश्न में कह रहे हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन। अब धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक्स, धनात्मक पूर्णांक क्या है अपना एक्स, तो एक्स का एक्स इजकल टू, देखो यहाँ पे एक्स बराबर 3q लेने पर पहले सब एक बार ये लिखेंगे, एक बार ये बस। अब क्या करेंगे, इसका घन, एक्स का घन मतलब x^3, घन का मतलब क्या होता है, घात 3, तो एक्स का घन किया तो इसका भी घन लिखेंगे, 3q/3। इसको थोड़ा सा हल करो, देखो 3q को 3 बार लिखेंगे, 3q/3q×3q, तो देखो 3 3 9, 9 3 27, 27q/3। अब यहाँ से हमें क्या लाना है, देखो इस फॉर्म में लाना है, यानी 9 कॉमन लेना है, क्या लेना है, 9 9 को हम क्या लेंगे, कॉमन, यानी कि ओवेनेस, तो 9 बार लिया तो कितना बचा, 9 3 27 होता है, तो 3q/3 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो x^3 बराबर तो 9m लिखेंगे, ये जो है 3q/3 यहाँ लिख देंगे, जहाँ जहाँ 3q/3 बराबर m है, बराबर m है, या फिर m बराबर इतना है, ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है ना, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 9m, तो ये तो आ गया, अब ये लाना है। अब हम क्या लिखेंगे, अतः अब x बराबर कितना लिखेंगे, ये 3q+1, 3q+1 लेने पर अब x का मान ये लेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं बनेगा नहीं आंसर। देखिए x का मान ये लेंगे तो x^3 कितना आएगा, x^3 आएगा 3q+1/3, ये आएगा। अब बात आती है सूत्र की, तो इसका जो सूत्र होता है वो ये क्या है? वो होगा देखो a+b^3 बराबर a^3 + 3a²b + 3ab² + b^3, ये सूत्र लगेगा घात 3 वाला। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा आए तो देखिए क्या करेंगे हम। अब देखो इक्वल टू, यहाँ से देखो ये a की जगह पे कितना है 3q, और b की जगह पे 1 है, तो a^3 का मतलब 3q/3, फिर क्या प्लस, ये प्लस इसमें पूरे मान रखते जाओ, 3a²b³ लिखेंगे, a² a का मान कितना है 3q, तो 3q² फिर b, b का मान कितना है 1, तो 1 लिख दिया हमने, प्लस फिर लिखेंगे 3ab² 3 a कितना है 3q, और b² b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b/3 b का मतलब 1,
एक पे घात तीन, तो यानी कि इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, तो इसको भी इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो, 3 3 9 3 27, 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 9 3 27, तो 27 क्यू पे घात 3 प्लस, देखो 3 गुणा 3 क्यू पे घात 2 है, तो 3 3 9 क्यू स्क्वायर, 1 का गुणा करेंगे तो कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, छोड़ दो ऐसे ही। प्लस अब देखो 3 3 9 क्यू 9 क्यू, और गुणा 1 1 अन 1, 1 से तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ना, और ये स्क्वायर है तो 1 1 अन 1 होगा ना, 1 1 अम 1 1 अम 1, 3 बार गुणा करोगे तो अभी 1 ही आया, 1 1 अम 1 1 1 अम 1, यही आएगा, 1 का गुणा करोगे तो। अब देखो तो ये 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये एक अलग रेखा बना रहने दो, हम इतने में से 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 9, तो देखो 9 3 27 क्यू पे घात 3, 27 है तो ये 9 3 27 3 आ गया, प्लस ये 9 कॉमन ले लो तो ये 3 बचा रहेगा, तो 3 क्यू पे घात 2 प्लस ये 9 गया, तो यहाँ क्यू बचेगा, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ना हमें, क्योंकि गुणा में है ना, 9 एकम 9 ही रहेगा, प्लस ये वाला 1, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 9, अब इस पूरे को m मान लेंगे, 9m+1, यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या है, 3 क्यू पे घात 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस q, ये m की वैल्यू मान ली जहाँ, क्योंकि m एक पूर्णांक है, तो 9m+1 के रूप का एक तो ये भी आ गया। अब क्या लेंगे हम, अब की बार हमने क्या लिया था, x बराबर 3 क्यू प्लस 1 ये लिया था, अब ये लिखेंगे, लिखेंगे अब x बराबर 3 क्यू प्लस 2 लेने पर तो क्या होगा, x पे घात 3 बराबर 3 क्यू प्लस 2 पे घात 3, यही वाला सूत्र लगेगा जो यहाँ लगा था। तो देखो यहाँ पे अब हम लिखेंगे a पे घात 3 का मतलब 3 क्यू पे घात 3 प्लस फिर 3 a स्क्वायर, भी 3 लिखेंगे, a स्क्वायर, a का मान कितना है, 3 क्यू 3 क्यू a स्क्वायर, 3 a स्क्वायर, b, b का मान कितना है, 2 2 हो गया, प्लस अब ये लिखेंगे 3 ab स्क्वायर, तो 3 a का मान कितना है, 3 क्यू, और b का मान कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर, 3 ab स्क्वायर हो गया, प्लस b पे घात 3 प्लस b कितना है, 2 2 पे घात 3, ये पूरे मान इस तरह से हमने यहाँ रख दिए, क्योंकि a की जगह 3 क्यू, b की जगह 2 है, ठीक है। अब हल करो थोड़ा सा और इसको, 3 3 9 3 27 q पे घात 3 प्लस 3 लिख दो, और 3 q का स्क्वायर है, 3 3 9, 9 q का स्क्वायर इंटू 2 यहाँ पे ये, और प्लस 3 3 यहाँ 9 q, और 2 2 4 प्लस 2 2 4 2 8, यहाँ पे 3 बार लिखा है, 2 2 4 4 2 8, अब देखो 27 ये लिखा है, तो ऐसे ही लिख दो, 27 q पे घात 3 प्लस इनका गुणा कर दो, देखो 2 का 2, ये सब गुणा में है यहाँ से यहाँ तक, तो देखो 2 का गुणा 3 में, 3 2 6 और 6 9 6 54, 54 q पे घात 2, इन 30 से तीनों को गुणा कर दिया, प्लस 9 चौक 36, 36 q प्लस 8, इनमें से कॉमन ले लो, इतनी संख्या अलग छाट लो, प्लस 8 तो हमें चाहिए ही, देखो यहाँ पे प्लस 8 चाहिए। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लो, तो 9 3 27 q पे घात 3 प्लस 9 6 54 q स्क्वायर प्लस 9 6 36 q प्लस 8, ये पूरा m मान लेंगे, लिखेंगे 9m+, ये 9m, हाँ ये तो m हो गया, प्लस 8, यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर 3 q पे घात 3 प्लस, ये पूरा m के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से लिख दो अतः, यहाँ से पूरा लिख दोगे अतः, लिख के अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतने इतने के रूप में होता है, बस आखिरी में इसके बाद यहाँ पे ऐसे लिख दोगे ना, ये पूरा यहाँ से देख के, ये अतः लिख के, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख दो, देख लिख दोगे अतः, अतः ये लिख दो किसी किसी धनात्मक, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8
किसके रूप का होता है? रूप का होता है, बस आंसर। मतलब ये इतना लिख दिया लास्ट में जो पूछा था, तो ये आपका सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। और ये इस टाइप का सवाल पेपर में आ सकता है, चौथा या पांचवा ऐसा सवाल एक दे सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है, 4 नंबर में या 5 नंबर में, 4 नंबर में ही देते हैं वैसे तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। और जो बच्चे देख रहे हैं, मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो है आपको वीडियो रोज़ मिलते रहेंगे पेपर तक। मैं ये नहीं कि अभी आपको वीडियो बना रहा हूँ, ये मार्च तक लगातार आपके जब तक पेपर नहीं हो जाएंगे 10th के, तब तक आपको वीडियोस नए नए मिलते रहेंगे। ये आपके रोज़ रिवीजन के लिए नोटिफिकेशन में आते रहेंगे, आप देख सकते हैं। और अपने कमेंट्स में ये भी दे सकते हैं सुझाव के आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है या जो भी प्रॉब्लम है, तो आप उसमें कमेंट में लिख के बोल सकते हैं मेरे को, तो आगे से और उनमें सुधार करने की कोशिश करूँगा मैं। और जो है आपको कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी कि आपको समझ में आए, और आगे चल के मैं बाकी सब्जेक्ट पे भी फोकस करूँगा, जो और अलग सब्जेक्ट हैं, साइंस है, SST है, संस्कृत है, हिंदी है। आगे जो पेपर आते जाएंगे तो मैं इन चीज़ों पे भी आपको वीडियो बना के और जो है समझाऊँगा कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि मैंने पिछली साल भी वीडियो जो है मैंने कुछ डाले थे। और मैंने चैनल नया बनाया है फरवरी में, पिछली साल वाली जो फरवरी थी, जो 2018 की, तब बनाया था, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है मुझे, इसीलिए अभी वीडियोस तो काफ़ी मुझे बनाने हैं और आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं